समाचार एक्सप्रेस न्यूज जनहित की आवाज। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां शिकारपुर पहासू थाना क्षेत्र के काली नदी पर नरेश चंद्र पाठक से दिन दिहाड़े हुई 1.25 लाख की लूट। पहासू से आ रहे नरेश चंद्र पाठक नाम के व्यक्ति को अपाची सवार दो अज्ञात बदमाशों ने काली नदी के पुल पर पीछे से ओवरटेक किया और बैग में रखे 1,24,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। लूट की घटना को सुनकर दौड़ी पहासू अहमदगढ़ पुलिस क्षेत्राधिकारी मनीष कुमार यादव मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल पर आसपास के थानों की पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। पीड़ित ने बताया कि 1,24,000 की लूट हुई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। समाचार लिखे जाने तक अज्ञात बदमाशों का सुराग नहीं लगा था। थाना पुलिस सीओ शिकारपुर का कहना है कि जांच की जा रही है, जल्दी बदमाशों की खोजबीन में भी थाना पुलिस को लगाया जा रहा है। को पहचाना है? नहीं पहचाना। लूटने वाले किस पर थे? बैग पर थे। क्या बजे की घटना है ये? 3 बजे के बाद हुआ।